हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना थोड़ा सा बाल कट कर रही हूँ क्योंकि बाल हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो ये देखिए, बेटा हमारा मस्ती कर रहा था और कट करते वक्त वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो ये देखिए, कट करने के बाद बाल कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी बाल जो है बहुत अच्छी नहीं है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया भी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हो। और शाम के 7:45 हो रहे गए हैं और बाल मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ये देखिए, थोड़ा सा इसे हमने काटा है। तो इस तरीके से मैं नहीं काटती थी। मेरी एक फ्रेंड है यूट्यूब पर, तो उनकी वीडियो देखकर भी मैंने ये ट्राई किया है। तो बताइएगा मेरी बाल कैसी लग रही है। और शाम का समय है, चाय इवनिंग का सब लोगों का हो गया है और अभी खाना बनाना है, मतलब अभी डिनर की तैयारी करनी है। तो देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ बताना, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स और रिस्पांस कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बताइए मेरी वीडियो में क्या कमी है क्या नहीं कमी है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारी वीडियो में क्या कमी रह जाती है जो हमारे फ्रेंड्स पसंद नहीं कर रहे हैं। बस इसी बात की मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आप ही लोग बताइए क्या कमी है मेरे वीडियो में, क्या मैं मेहनत नहीं करती हूँ, क्या आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ बताइएगा। अगर कोई भी कमी रह जाए मेरे वीडियो में तो प्लीज़ बिन बेझिझक मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है पक्षी, ये देखिए कौ कौ कौ। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा सा हम जाएंगे टेरिस पे, थोड़ा हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो सोच रहे हैं क्यों ना चले ऊपर, थोड़ा सा टहल लें, आप लोगों को भी सैर करा दें। और उस दिन जो हमने मिट्टी निकाले हुए थे खेत में, तो अब जाके हमें टाइम मिला है, उसे हमने शिफ्ट कर दिया है जिस जिसमें रखना था। हमारे पास गमले नहीं थे तो वो कलर वाला सब मतलब डिब्बे थे, उसी में हमने लगा दिया है मिट्टी। देखती हूँ अगर कभी जाऊँगी बाहर तो गमले लेकर ज़रूर आऊँगी। और अभी हमें पत्तियाँ मतलब पौधे भी लेना है, तो देखते हैं किस दिन जा पाते हैं किस दिन नहीं जा पाते हैं। मैं तो उतना बाहर नहीं निकलती हूँ, तो हस्बैंड से बोलूँगी लेकर आएंगे। और सोच रही हूँ मैं ही क्यों ना जाऊँ, मुझे क्या क्या चाहिए मैं खुद लेकर आऊँ। तो आप लोग भी बताइएगा कौन कौन सी पौधे मैं लगाऊँ। तो फ्रेंड्स, किचन में आ चुकी हूँ और चल रही हूँ डिनर की तैयारी करने। तो डिनर की तैयारी तो हमने सारा कर लिया है, बस खाना बनाना है। तो खाने में आज बनाऊँगी मटर पनीर की सब्जी और पूरी। तो चलिए, किस तरीके से मैं मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी आप लोग भी देख लीजिए। और एक बार मैंने मटर पनीर की सब्जी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो अलग तरीके से है, ये वाला अलग तरीके से है। ये एकदम देसी स्टाइल है और बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम ढाबे जैसी, होटल जैसी, मतलब हलवाई जैसी। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए। अब कढ़ाई में डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये देखिए, हमने प्याज 2 कट करके रखे हुए हैं और लहसुन है कुछ, इसको छील के रख लिया है। अब इन दोनों को हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। तो किस तरीके से फ्राई करेंगे आप लोग भी देख लीजिए। तो ये देखिए, प्याज और लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे
और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। तो ये वाली सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें ना ही मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी जैसे काजू पीस करके सब लोग डाल देते हैं या खड़ा डाल देते हैं, इसमें क्रीम डाल देते हैं, मलाई डाल देते हैं, तो ये सब वाला मैं नहीं बनाऊंगी, एकदम देसी स्टाइल में बनाऊंगी। तो इस सब्ज़ी का टेस्ट अलग ही आता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर चाहें तो आप इसे कच्चे भी पीस सकते हैं प्याज टमाटर लहसुन को, लेकिन ये वाला स्वाद अच्छा आता है, तो ये वाला स्वाद जो है अलग ही रहता है। तो इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करिए। तो देखिए हमने कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल जब थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए फिर इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच के जितना जीरा। जीरा थोड़ा सा हम चटकने देंगे और इसमें डाल देंगे दो तीन तेज पत्ते। तो देखिए तेज पत्ते और जीरा को हमने डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसे हम चला देंगे। फिर इसी में हम पेस्ट डाल देंगे जो टमाटर प्याज और लहसुन का हमने बनाया है। पहले हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे पेस्ट, प्योरी जिसे कहते हैं। तो ये देखिए अब हम इसे एक मिनट तक भूनेंगे। एक मिनट हमें भून लेना है इसे। जब एक मिनट ये भुना जाए फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हम डालेंगे हल्दी एक चम्मच और दो चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर और आधा चम्मच हमने लिया है कलर वाला लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच गरम मसाला। तो अब हम इसे भूनेंगे ढक करके। तो इसे हम ढक देंगे दो तीन मिनट के लिए और गैस का फ्लेम कम कर देंगे। तो ये देखिए अब मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से भुना गई है ये। थोड़ा सा अभी और हम इसे भूनेंगे क्योंकि अभी इसका कलर जो है अच्छे से नहीं आया है। तो ये देखिए ये एकदम से भुना चुका है, इसी तरीके का कलर आ जाए जब फिर इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के बाद हम तुरंत इसमें मटर भी ऐड कर देंगे। मटर और पनीर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले में। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे क्योंकि मटर भी हमें पकाना है। तो ये देखिए पानी हमने डाल दिया है, अब हम इसे ढक देंगे दो मिनट के लिए और गैस का फ्लेम कम कर देंगे। तो ये देखिए सब्जी का एकदम फाइनल लुक। तो सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। तो पूड़ियाँ भी हम छान लिए हैं, ये देखिए। बस आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, खाना बिल्कुल से रेडी है।
तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।